पत्रस और योहन्ना द्वारा एक भिखारी को चंगा करना। एक दिन पत्रस और योहन्ना मंदिर में गए। एक अपंग व्यक्ति भीख मांगने के लिए फाटक पर बैठा हुआ था। पत्रस ने उस लंगड़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसा तो नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु के नाम से उठ और चल फिर। तुरंत ही परमेश्वर ने उस लंगड़े व्यक्ति को चंगा कर दिया। उसने इधर उधर चलना और कूदना और परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ कर दिया। मंदिर के आंगन में उपस्थित लोग अचंभित थे। शीघ्र ही लोगों की एक भीड़ उस व्यक्ति को देखने के लिए आई जो चंगा हो गया था। पत्रस ने उनसे कहा, यह मनुष्य ठीक है, परंतु इस बात पर अचंभित मत होना, हमने इसे अपनी शक्ति से चंगा नहीं किया है, या इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं, बल्कि वह यीशु है जिसने इस व्यक्ति को अपनी शक्ति से चंगा किया है, क्योंकि हम यीशु पर भरोसा करते हैं। वह तुम ही हो जिन्होंने उस रोमी राज्यपाल को यीशु को मार डालने के लिए कहा था। तुमने उसे मार डाला जो सबको जीवन देता है, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया। तुमने नहीं समझा कि तुम क्या कर रहे थे, परंतु जब तुम उन कामों को कर रहे थे तो जो भविष्यवक्ताओं ने कहा था वह पूरा हुआ। उन्होंने कहा था कि मसीह दुख उठाएगा और मर जाएगा। परमेश्वर ने इसे इस तरीके से होने दिया। इसलिए अब पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर फिरो, ताकि वह तुम्हारे पापों को धोकर साफ कर दे। जब मंदिर के अगुओं ने पत्रस और योहन्ना को सुना तो वे बहुत घबरा गए, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाल दिया। परंतु जो पत्रस ने कहा था उस पर बहुत से लोगों ने विश्वास किया। यीशु पर विश्वास करने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 5,000 हो गई। अगले दिन वे यहूदी अगुए पत्रस और योहन्ना को महायाजक और अन्य धार्मिक अगुओं के सामने लेकर आए। वे उस व्यक्ति को भी लेकर आए जो अपंग था। उन्होंने पत्रस और योहन्ना से पूछा, किस अधिकार से तुमने उस अपंग व्यक्ति को चंगा किया? पत्रस ने जवाब दिया, यह व्यक्ति जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसे यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा चंगा किया गया है। तुमने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे फिर से जीवित कर दिया। तुमने उसे अस्वीकार कर दिया, परंतु यीशु के सामर्थ के माध्यम के अलावा उद्धार पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वे अगुवे हैरान थे कि पत्रस और योहन्ना ने बहुत साहसी रूप से बात की थी। उन्होंने देखा कि ये साधारण पुरुष थे जो कि अनपढ़ थे, परंतु फिर उनको याद आया कि ये पुरुष यीशु के साथ रहे थे। इसलिए उन्होंने उनसे कहा, हम तुमको बहुत अधिक दंड देंगे यदि तुम इस मनुष्य यीशु के बारे में लोगों को कोई और संदेश देते हो। ऐसी बहुत सी बातें कहने के बाद उन्होंने पत्रस और योहन्ना को जाने दिया।